मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था अभी। क्यों, कोई काम था? नहीं, बस यूं ही। ये आपकी दवाई है, टाइम से खा लीजिएगा। बुखार अब कैसा है? मेरे ख्याल से बेहतर है कुछ। हाथ दिखाएं मुझे। कुछ बेहतर हुआ है लेकिन अभी भी है। मैंने आपके लिए सैंडविचेस ऑर्डर किए हैं, आते ही होंगे। तुम नहीं खाओगे कुछ? मैं खा लूंगी, आप परेशान ना हो। अच्छा ईशल, जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम तो पहले पाकिस्तान से बाहर नहीं आई ना? तो फिर कहाँ जाना है, ये सब कहाँ से लाना है, ये कैसे मैनेज कर रही हो? वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, चाहे अनजान रास्ते हो या रिश्ते। क्यों, आपको लगा कि मैं कहीं खो जाऊंगी? नहीं, बस मैं परेशान हो गया था। अगर आपको मेरा इस तरह अकेले जाना अच्छा नहीं लगा। अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, बल्कि तुम तो पहली दफा दुबई आई हो, तो यू शुड गो हैव फन, जाओ घूमो फिरो। अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अकेले घूमना फिरना चाहिए तो मैं जरूर जाऊंगी। शायद आपके सामने जा गए। तुमने ईशल के रवैये को खाम खा संजीदगी से ले लिया, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमेशा उसका बहुत ख्याल रखती है। खुदसिया, तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे ईशल का रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो रबिया, इन दोनों के दरमियान तलखी का थोड़ा बहुत अंदाजा तो मुझे भी है, लेकिन इसकी वजह शायद हम लोग जानते हैं, लेकिन जो कुछ तुम कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर ईशल ऐसा क्यों करेगी? अरे खुदसिया, पहले मैं भी यही समझती थी कि शावेज ने हमारे दबाव में आके ईशल को अपना लिया, लेकिन लेकिन वो उसे कबूल नहीं कर पा रहा। अरे क्योंकि अस्मा हर वक्त उसके हवासों पर सवार है। लेकिन खुदसिया, मुझे रफ्ता रफ्ता इस बात का एहसास हुआ है कि इन दोनों की सर्दमोरी की वजह ईशल का शावेज को ना अपनाना है। मैंने तो पहले दिन से ही दोनों के दरमियान फासला महसूस कर लिया था, और मैं ये समझती रही कि कसूर मेरे बेटे का है, मगर मुझे लगता है कि बात कुछ मुख्तलिफ है। अरे तुमने तो देखा होगा खुदसिया, हमारे दरमियान जब वो रहते हैं तो किस तरह से हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, मगर जब ये दोनों कमरे में चले जाते हैं ना तो इन दोनों के दरमियान गहरी खामोशी हो जाती है। और ये मेरा सिर्फ वहम नहीं है, यकीन है। मैं तो काफ़ी अरसे से इन दोनों के इस रवैये को नोट कर रही हूँ। रबिया, तुम्हारी बातों ने तो मुझे परेशान कर दिया। बहरहाल मैम आपा से कहती हूँ कि वो ईशल से बात करें।